हेलो एवरीवन कैसे हैं आप लोग आई एम श्योर आप सब मजे में होंगे हम लोग कर रहे हैं चैप्टर प्लेस ऑफ सप्लाई और प्लेस ऑफ सप्लाई में दो चीजें आपको देखनी है क्या क्या लोकेशन ऑफ सप्लायर और दूसरा प्लेस ऑफ सप्लाई लोकेशन ऑफ सप्लायर में भी अगेन दो चीजें हैं लोकेशन ऑफ सप्लायर फॉर गुड्स लोकेशन ऑफ सप्लायर फॉर सर्विसेज और आपने ये दोनों देख लिया है नाउ प्लेस ऑफ सप्लाई की बात करते हैं तो इसमें अगेन दो चीजें हैं क्या क्या प्लेस ऑफ सप्लाई फॉर गुड्स और प्लेस ऑफ सप्लाई फॉर सर्विसेस प्लेस ऑफ सप्लाई फॉर गुड्स आपने देख लिया अब आपको देखना है प्लेस ऑफ सप्लाई फॉर सर्विसेस सर्विस के रिस्पेक्ट में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगी आइए शुरू करते हैं पता इन ऑल द केसेस आप पढ़ क्या रहे हैं वेर लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड प्लेस ऑफ सप्लाई बोथ इज विद इन इंडिया आउटसाइड इंडिया वाला आप कुछ भी नहीं देख रहे क्यों क्योंकि आउटसाइड इंडिया है इंपोर्ट और एक्सपोर्ट वो आप यहां नहीं देख रहे प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ 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 सर्विसेज लोकेशन सप्लायर सर्विस एंड द लोकेशन ऑफ रेसिपेंट ऑफ सर्विस इज इन इंडिया सप्लायर रेसिपेंट सब इंडिया के हैं दैट मीन्स वी आर टॉकिंग ऑफ एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट सो दिस इज सेक्शन ट्वेल्व

पर्टिकुलर सर्विस की बात कही गई है उस पर्टिकुलर सर्विस के केस में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगी वो बता दी गई अब आपसे क्या कह रहा है कह रहा है इसके अलावा अगर कोई भी सर्विस की बात हो रही है तो सब सेक्शन टू लागू होगा यानी सब सेक्शन टू आप ऐसे कह लीजिए कि ये एक जनरल प्रोविजन है ये एक जनरल प्रोविजन है और थ्री से लेके फोर्टीन तक ये सब क्या है ये स्पेशल प्रोविजन है यानी आपको पहले सबसेक्शन थ्री से लेकर सबसेक्शन फोर्टीन देखने की जरूरत है फिर अगर वो थ्री से लेकर फोर्टीन तक में फॉल नहीं करता है तब 2 में जो प्रोविजन लगाया गया है वो आपको अप्लाई करना है लेकिन चलिए हम देख लेते हैं पहले सबसेक्शन टू को ही वो क्या कहता है कहता है प्लेस ऑफ सप्लाई लोकेशन ऑफ सच पर्सन अगर कोई भी सर्विस एक रजिस्टर्ड पर्सन को दी जाती है तो जो उसका क्या है एड्रेस है लोकेशन है रजिस्टर्ड एड्रेस है वही क्या कहलाएगा प्लेस ऑफ सप्लाई तो एक क्या कह रहा है इफ रेसिपियंट इज रजिस्टर्ड तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा लोकेशन ऑफ ट तो अगर रेसिपेंट रजिस्टर्ड है तो जो उसका रजिस्टर्ड एड्रेस है एज पर जीएसटी जीएसटी रजिस्ट्रेशन में जो उसका एड्रेस डाला हुआ है लोकेशन डाला हुआ है वही क्या कहलाएगा प्लेस ऑफ सप्लाई मेड टू एनी पर्सन अदर देन द रजिस्टर्ड पर्सन सैल बी अगर अनरजिस्टर्ड है अदर देन रजिस्टर्ड पर्सन का मतलब अनरजिस्टर्ड ठीक है द लोकेशन ऑफ रेसिपेंट वेद एड्रेस ऑन रिकॉर्ड एग्जिस्ट अगर एड्रेस अवेलेबल है रेसिपिएंट का ठीक है तो जो एड्रेस रिकॉर्ड पे अवेलेबल है वो कहलाएगा प्लेस ऑफ सप्लाई और अगर रेसिपेंट का एड्रेस ऑन रिकॉर्ड अवेलेबल ही नहीं है भाई हमें नहीं पता जो रेसिपेंट था वो कौन है कहां कहा है ठीक है तो फिर क्या होगा तो द लोकेशन ऑफ सप्लायर और सर्विस इन एनी अदर केस द लोकेशन ऑफ सप्लायर और सर्विस इन एनी अदर केस मतलब जो सप्लायर की लोकेशन है वही लोकेशन ऑफ प्लेस ऑफ सप्लाई होगा इफ रेसिपेंट इज रजिस्टर्ड तो क्या हुआ आपने बता दिया लोकेशन ऑफ रेसिपेंट इफ रेसिपेंट इज अनरजिस्टर्ड तो दो बातें होंगी ठीक है इफ लोकेशन ऑफ रेसिपेंट इज इफ रेसिपेंट इज अनरजिस्टर्ड तो हम पूछेंगे इज लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट नोन आपसे पूछेंगे क्या तुमको यह पता है कि वो रेसिपेंट कहां का है आप कहोगे यस मुझे पता है तो लोकेशन ऑफ रेसिपेंट इज प्लेस ऑफ सप्लाई आप कहोगे नहीं मुझे नहीं पता कि कहां का है तो फिर लोकेशन ऑफ सप्लायर सप्लाई प्लेस ऑफ सप्लाई ठीक है प्लेस ऑफ सप्लाई क्या है जिसको मैंने हाईलाइट किया ये प्लेस ऑफ सप्लाई है दिस इज प्लेस ऑफ सप्लाई ठीक है मैं एग्जाम्पल समझाता मैं कोचिंग सर्विसेज की बात नहीं करूंगा क्योंकि कोचिंग और ट्रेनिंग जो है ना वो ऑलरेडी नीचे वाले सब में दिया हुआ है है और आपको ये बताया हुआ है कि सब 2 लागू तभी होता है जब थ्री से फोर्टीन वाली सर्विस ना हो तो मैं अपनी एजुकेशन सर्विस का एग्जांपल नहीं ले पाता हूं तो एक काम करता हूं मैं एक दूसरा एग्जाम्पल लेता हूं मान लीजिए एस एन चार्टर्ड अकाउंटेंट में कंसल्टेंसी की सर्विसेज देता हूं बिजनेसमैन आएंगे मुझसे कंसल्टेंसी ले सकते हैं राइट टैक्सेशन की जीएसटी की दे नीड मैं इससे रिलेटेड कंसल्टेंसी उनको देता हूं ठीक है तो आइए अब समझते हैं कि मेरे केस में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगी एक दिल्ली का क्लाइंट है मुझसे फोन पे कंसल्टेंसी लेता है जीएसटी से रिलेटेड राइट right? मैंने उसे बिलिंग किया फिफ्टी थाउजेंड प्लस जीएसटी आपको मुझे यह बताना है कि प्लेस ऑफ सप्लाई और सर्विस क्या है मैं वाराणसी का हूं तो लोकेशन ऑफ सप्लायर वाराणसी मैं वाराणसी का हूं प्लेस ऑफ सप्लाई अब बात यह आएगी क्या वो बंदा रजिस्टर्ड था जो दिल्ली से मुझे कॉल किया था आंसर इज यस तो अब उसकी जो लोकेशन है यही तो यहां लिखा है अगर रेसिपेंट रजिस्टर्ड था ये देखिए अगर रेसिपेंट रजिस्टर्ड है तो मैंने क्या लिखा लोकेशन ऑफ रेसिपेंट जो दिल्ली से बंदा मुझे कॉल किया था वो रजिस्टर्ड बंदा था तो जो उसका एड्रेस है जो उसका रजिस्टर्ड एड्रेस है वो प्लेस ऑफ सप्लाई है ठीक है फिर अगर बंदा अनरजिस्टर्ड है अगर बंदा अनरजिस्टर्ड है जिसने मुझे कॉल किया था ना वो अनरजिस्टर्ड है जीएसटी में रजिस्ट्रेशन नहीं ले रखा है लेकिन मैंने उससे पूछा भाई साहब आप कहां से बात कर रहे हैं उसने बोला मैं दिल्ली से बात कर रहा हूं ठीक है ये मेरा एड्रेस है ठीक है उसने सब कुछ बताया अपने बारे में मैंने कहा ठीक है भाई ये कंसल्टेंसी मैंने दी उसे मैंने उससे फीस ली पचास हज़ार प्लस जीएसटी बताइए जरा सा लोकेशन ऑफ सप्लाई और सर्विस क्या है उसने मुझे एड्रेस बताया था अनरजिस्टर्ड था लेकिन एड्रेस बताया था तो एड्रेस अगर मुझे पता है तो फिर जो उसका एड्रेस है वही प्लेस ऑफ सप्लाई है ये देखिए क्या लिखा मैंने अगर रेसिपेंट का एड्रेस पता है यस तो लोकेशन ऑफ रेसिपेंट मैंने फोन पे बात की मैंने वो एक जो बंदा मुझे कॉल किया मैंने उससे पूछा कि कहाँ के हो कहा कि साहब क्या करिएगा जान के मैं कहाँ से हूँ आपकी फीस कितनी है ये बताइए पहले मैं पैसा ट्रांसफर कर देता हूँ फिर मुझे आप फोन पे बता दीजिएगा जो मेरा प्रश्न है उसका जवाब दे दीजिएगा ठीक है वो मुझसे कंसल्टेंसी ले रहा है अब बात बताइए मुझे क्या बहुत फर्क पड़ा है कि वो कहां से कॉल कर रहा है अरे पूरी दुनिया में कहीं से भी कॉल करो पैसा आना चाहिए हमने कहा ठीक है भाई पैसे डालो उसने पैसे डाल दिए मैंने फोन पे उसे बता दिया जो भी उसका प्रश्न था जो भी उसको कंसल्टेंसी चाहिए थी जीएसटी से रिलेटेड राइट अब बताइए प्लेस ऑफ सप्लाई यहां पे क्या होगी मुझे रेसिपेंट का प्लेस ऑफ सप्लाई नहीं पता है वो अनरजिस्टर्ड बंदा है प्लेस ऑफ सप्लाई नहीं पता है मुझे ठीक है अच्छा आप कहेंगे आपको सर कैसे पता चलेगा वो रजिस्टर्ड है कि अनरजिस्टर्ड है जरूरत नहीं है अगर सामने वाला रजिस्टर्ड है यह बताता है तो वो रजिस्टर्ड है नहीं बताता है अगर वो रजिस्टर्ड है भी तो फर्क नहीं पड़ता यार लेकिन कोई भी रजिस्टर्ड बंदा जरूर बताएगा ताकि वो जीएसटी की क्रेडिट ले सके ठीक है अगर वो रजिस्टर्ड बंदा है तो वो चाहेगा ना कि मैं उसके रजिस्टर्ड जो जीएसटी नंबर है उस पर उसकी बिल काटूं ताकि वो उसकी इनपुट टैक्स क्रेडिट ले सके जो जीएसटी लगी है अदरवाइज वो उसे नुकसान हो जाएगा तो रजिस्टर्ड बंदा बताएगा ही लेकिन इस बात से फर्क नहीं पड़ता अगर सामने वाला नहीं बताया तो अनरजिस्टर्ड ही हम मानेंगे उसके बाद एड्रेस बताया क्या एड्रेस भी नहीं पता मुझे तो प्लेस ए, प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगी जो मेरा एड्रेस है यानी कि वाराणसी तीनों बात क्लियर है फिर से बता देता हूं दिल्ली से बंदा फोन करता है कंसल्टेंसी मुझसे लेता है उसने मुझे बताया कि मैं रजिस्टर्ड हूं तो दिल्ली इज द प्लेस ऑफ सप्लाई उसने मुझसे फ़ोन पे बात की कंसल्टेंसी ली उसने बताया कि मैं दिल्ली का हूँ लेकिन वो रजिस्टर्ड नहीं है पेस और सप्लाई क्या कहलाएगी मेरे सर्विस की दिल्ली ठीक है तीसरी बात उसने फोन पे मुझसे बात की बताया ही नहीं वो कहाँ से बोल रहा है कह रहा है भाई साहब इससे इस ये सब रहने दीजिए मैं कहाँ से बोल रहा हूँ मैं तिहाड़ जे से हो सकता है बोल रहा हूँ चाहे कहीं से भी बोल रहा हूँ आपको इससे क्या फर्क पड़ता है आप मुझे बस ये बताइए कि आपकी फीस कितनी है और मुझे इस प्रश्न का जवाब दीजिए मेरे ठीक है मैंने कहा ठीक है भाई प्लेस ऑफ सप्लाई नहीं पता है मुझे मतलब रेसिपेंट कहां का है नहीं पता है तो ऐसे केस में क्या हो जाएगी प्लेस ऑफ सप्लाई प्लेस ऑफ सप्लाई हो जाएगी मेरी अपनी लोकेशन यानी वाराणसी इज द प्लेस ऑफ सप्लाई क्लियर ये है सबसेक्शन टू और ये लागू होगा हर सिचुएशन में अगर वो थ्री से लेके फोर्टीन वाली सिचुएशन नहीं है अगर थ्री से फोर्टीन वाली सिचुएशन है तो जो वहां लिखा है वो अप्लाई कीजिएगा फिर ये बात लागू नहीं होती ठीक है आइए देखिए प्लेस ऑफ सप्लाई और सर्विसेज डायरेक्टली इन रिलेशन टू इमुएबल प्रॉपर्टी ओ हो इमूबल प्रॉपर्टी केस में अलग बात कही गई है ठीक है अब इमुबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड सर्विस का मतलब क्या हो सकता है मैं आर्किटेक्ट हूं मैं डिजाइन बनाता हूं बिल्डिंग की ठीक है चलिए देखिए इंक्लूडिंग सर्विस रिलेटेड टू आर्किटेक्ट आर्किटेक्ट कैसी सर्विस दे रहा है सर्विसेज इन रिलेशन टू इमोबल प्रॉपर्टी है ठीक है वट इज इमोबल प्रॉपर्टी लैंड एंड बिल्डिंग इज इमोबल प्रॉपर्टी तो अगर हम लैंड एंड बिल्डिंग से रिलेटेड सर्विस देते हैं क्या क्या सर्विस हो सकती है जो लैंड एंड बिल्डिंग से रिलेटेड है मैं डिज़ाइन बनाता हूँ बिल्डिंग की आर्किटेक्ट हूँ ठीक है और इंटीरियर डेकोरेटर इंटीरियर डेकोरेशन का काम करता हूँ मैं सर्वेयर हूँ ठीक है सर्वेयर कौन होता है जो बेसिकली ग्राउंड लेवलिंग ग्राउंड मेजरमेंट लैंड मेजरमेंट वगैरह ये सब काम करते हैं ठीक है इंजीनियर हूँ मैं सिविल इंजीनियर हूँ ठीक है मैं बिल्डिंग बनवाता हूँ एंड अदर रिलेटेड एक्सपर्ट्स और रियल स्टेट एजेंट स्टेट एजेंट कौन होता है जो प्रॉपर्टीज बेचने का काम करता है कमीशन पर ठीक है एंड एनी सर्विस प्रोवाइडेड बाई बी ऑफ ग्रांट ऑफ राइट टू यूज इमोबल प्रॉपर्टी अच्छा अब नफ राइट टू यूज इमोबल प्रॉपर्टी क्या है जैसे मैंने अपनी जमीन दी किसी को कोयला निकालने के लिए ठीक है या मैंने किसी को जमीन दी उस पर पार्किंग लॉट लगाने के लिए ठीक है कि इस पर तुम काम करो पार्किंग करवाओ इस जमीन पे और मुझे पैसे दो और फॉर कैरिंग आउट और कोऑर्डिनेशन ऑफ कंस्ट्रक्शन वर्क या फिर कंस्ट्रक्शन रिलेटेड मैं उस पर कुछ काम करा रहा हूं फिर कह रहा है और बाय वे ऑफ लॉजिंग एकोमोडेशन बाय अ होटल होटल भी क्या है इमोल प्रॉपर्टी है होटल अपने यहां रहने का जो रहने के लिए आपको दे रहा है सर्विस ठीक है मतलब होटल के रूम की सर्विस जो आप ले रहे हैं ये भी क्या है सर्विस इन रिलेशन टू एन इमोल प्रॉपर्टी होटल इन गेस्ट हाउसेस वन इन द सेम थिंग हो गया होम स्टे क्लब कंपेज कंपेज क्या होता है जैसे टेंट लगा लगा के एक बहुत सारी जगह पे रहते हैं लोग ठीक है तो कैंप के, लगा के एक वो सर्विस देने वाला होटल है ऐसे समझ लीजिए बाई वॉट एवर नेम कॉल्ड एंड इंक्लूडिंग अ हाउस बोट हाउस बोट कहाँ पर चलता है ये डल लेक में चलता है कश्मीर में होता है ठीक है हाउस बोट में लोग रहते हैं जाके वहाँ पे और एनी अदर वेसल या किसी और वेसल में बोट की जगह बड़ी सिप है वहां पे आप जाके रह रहे हैं बाई वे ऑफ एकोमोडेशन इन एनी प्रॉपर्टी फॉर ऑर्गेनाइजिंग एनी मैरिज या फिर शादी करने के लिए आपने होटल में हॉल वगैरह लिया है रिसेप्शन करने के लिए हॉल लिया है और मैटर्स रिलेटेड देयर टू और इस तरीके का और कोई भी प्रोग्राम करने के लिए आपने हॉल लिया है ऑफिशियल मीटिंग uh, करने के लिए सोशल मीटिंग करने के लिए कल्चरल प्रोग्राम करने के लिए कोई रिलीजियस प्रोग्राम भजन कीर्तन करने के लिए आपने रूम लिया है हॉल uh, लिया है होटल में और बिजनेस फंक्शन कर रहे हो मतलब अपना एनुअल सेलिब्रेशन कर रहे हो कंपनी का इंक्लूडिंग सर्विसेज प्रोवाइड इन रिलेशन टू सच फंक्शन एट सच प्रॉपर्टी और एनी सर्विसेज एंसिलरी टू द सर्विसेज रेफर टू इन क्लॉज ए बी एन सी एनी सर्विसेज एंसिलरी का मतलब क्या है एनी सर्विस एंसिलरी का मतलब है कि मैंने होटल वाले को बोला कि मुझे हॉल तो चाहिए ही लेकिन फ्रंट वाली वॉल पे ना थोड़ा सा फ्लावर की डेकोरेशन भी करके देना हो सकता है ऐसा तो एंसिलरी सर्विसेज का मतलब यह होता है कि आपको सर्विसेज इन एडिशन ले रहे हैं टू दैट इम्बुएल प्रॉपर्टी विच इज बिकॉज ऑफ दैट इमुएल प्रॉपर्टी जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने एक बिजनेस मीटिंग की ठीक है भले खाना नहीं लगाएंगे ठीक है हो सकता है मीटिंग होगी खत्म हो जाएगी होटल में लेकिन पानी तो रहेगा ना पीने के लिए Obviously रहेगा तो मैंने होटल वाले को कहा था कि पानी की बॉटल्स और लगा दीजिएगा उस रूम में हॉल में ठीक है तो ये क्या है एंसिलरी सर्विसेज है इवन मैं तो आपको बता दूं, अब बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा अगर सर खाना भी लगा हुआ है तो, तो इसको एक कंपोजिट सर्विस भी कहते हैं कि जनरली लोग हॉल लेते हैं तो विथ फूड एंड ऑल लेते हैं लेकिन होटल चाहे तो उसको ही सेपरेट बिलिंग कर सकता है खाने की अलग बिल कर सकता है एज फूड बिल और हॉल की अलग बिल कर सकता है एज इमोल प्रॉपर्टी की बिलिंग ठीक है यूज़ ऑफ इमोएल प्रॉपर्टी इंटायरली डिपेंड्स ऑन होटल ठीक है और चाहे तो वो एक कंपोजिट बिलिंग भी कर सकता है क्योंकि कंपोजिट बिलिंग चलती है और वो अलाउड भी है ठीक है होटल में ऐसा होता है कि लोग हॉल लेते हैं तो साथ में खाना लेते हैं ठीक है बहुत सारे होटल्स तो आपको हॉल खाली देते ही नहीं है वो खाने के साथ ही सिस्टम ही होता है ठीक कि है कि आपके कितने नंबर ऑफ़ पीपल हैं इतना रुपया पर प्लेट लगेगा और होटल का जो हॉल है वो उस चार्ज को ही मतलब खाने के साथ ही वो कंपोजिट ही दिया ही जाता है सेल बी अब इन सभी केसेस में सैल बी द लोकेशन एट विच इमोल प्रॉपर्टी बोट ऑफ वेसल एज द केस में इज लोकेटेड और इंटेंडेड टू बी लोकेटेड सुन लिया आपने कोई भी एक सर्विस इमोल प्रॉपर्टी से रिलेटेड अगर होती है तो उसका प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होता है प्लेस ऑफ सप्लाई वो होता है जहां पर वो इमोल प्रॉपर्टी लोकेटेड है अब बात समझिएगा मैं वाराणसी से हूं दिल्ली गया एक होटल में स्टे कर रहा हूं ठीक है मैं वाराणसी से हूँ दिल्ली गया एक होटल में स्टे कर रहा हूँ और ध्यान दीजिएगा मैं जो दिल्ली गया हूँ ये बिज़नेस पर्पज़ के लिए गया हूँ ठीक है एक क्लाइंट की ऑडिट करने गया हूँ या एक क्लाइंट को कंसल्टेंसी देने के लिए गया हूँ अब मैं जो होटल में स्टे कर रहा हूँ होटल वाला ए, उसकी लोकेशन ऑफ सप्लायर क्या है लोकेशन ऑफ सप्लायर क्या है अरे लोकेशन ऑफ सप्लायर तो वही है जहाँ का वो रजिस्टर्ड सप्लायर है ठीक है वो दिल्ली का है अब प्लेस ऑफ सप्लाई क्या है इमोल प्रॉपर्टी कहां पे रजिस्टर्ड है इमोल प्रॉपर्टी कहां पे सिचुएटेड है दिल्ली में तो प्लेस ऑफ सप्लाई भी दिल्ली है अभी तक आप ऐसा नहीं पढ़ रहे थे मैं एक रजिस्टर्ड बंदा हूं सब सेक्शन टू में क्या लिखा था ये देखिए सब सेक्शन टू के हिसाब से तो बात ये थी कि अगर रेसिपेंट रजिस्टर्ड है तो लोकेशन ऑफ रेसिपेंट मैं अगर रजिस्टर्ड हूं तो मेरा जो लोकेशन है लेकिन ऐसा नहीं होता इन केस ऑफ इमोल प्रॉपर्टी इमोल प्रॉपर्टी के केस में प्लेस ऑफ सप्लाई वो होती है जहां पे प्रॉपर्टी लोकेटेड है आई बात समझ में और समझाता हूं आइए एक और एग्जांपल लेता हूं मैं हूं आर्किटेक्ट मानने में तो आपका कुछ नहीं नजर आ इसमें क्या आपका लगता है ठीक है मैं हूं आर्किटेक्ट राज आर्किटेक्ट है बिल्डिंग की डिजाइन बनाते हैं ठीक है मैं रजिस्टर्ड भी हूं यह भी आपको बता दू कहां पर रजिस्टर्ड हूं वाराणसी में रजिस्टर्ड हूं ठीक है जो मेरा क्लाइंट है वो भी रजिस्टर्ड है कहां पे पता है मुंबई में ठीक है और ये क्लाइंट कह रहा है कि आपको बिल्डिंग का नक्शा बनाना है जो बिल्डिंग कहां पे बनेगी पता है बिल्डिंग कहां बनेगी बिल्डिंग बनेगी दिल्ली में मैं इसकी ड्राइंग बना रहा हूं मेरा काम क्या है डिजाइन बनाना दिल्ली वाली बिल्डिंग की तुमको समझ में आया कि नहीं पूरा सिचुएशन मैं बनारस का आर्किटेक्ट एक मुंबई का क्लाइंट है वो कह रहा है कि आपको डिजाइन बनानी है एक दिल्ली में वो बिल्डिंग बना रहा है उसके लिए ठीक है अब यहां पे प्रश्न उठता है कि लोकेशन ऑफ सप्लायर क्या है जिसमें ज्यादा मेहनत नहीं होती लोकेशन और सप्लायर दो मिनट सेकेंड का भी काम नहीं होना चाहिए लोकेशन और सप्लायर भाई राज सर कहां के हैं सप्लायर कहां का है वाराणसी लोकेशन ऑफ सप्लायर वाराणसी है व्हाट इज प्लेस ऑफ सप्लाई ज प्लेस ऑफ सप्लाई जनरल तो आपने ये पढ़ा था कि प्लेस ऑफ सप्लाई होता है अगर रेसिपेंट रजिस्टर्ड है तो उसका लोकेशन रेसिपेंट रजिस्टर्ड है तो उसका लोकेशन लेकिन 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 कहता है इमोएबल प्रॉपर्टी केस के के में जहां पे इमोएल प्रॉपर्टी लोकेटेड है सबसेक्शन टू नहीं लग सकता यहाँ पे सबसेक्शन थ्री लगेगा स्पेशल प्रोविजन पहले इमोएबल प्रॉपर्टी केस के में इमोएल प्रॉपर्टी जहां पे सिचुएटेड है वो दिल्ली में सिचुएटेड है इस क्वेश्चन में प्लेस ऑफ सप्लाई होगा दिल्ली अच्छा आप ये बताइए मुझे कि आप ये सब नोट करते हैं कि नहीं क्या आप छोड़ देते हैं अरे ठीक है समझ में तो आ रहा है कितनी आसान बात है बेटा यही सब एग्जाम में क्वेश्चन आता है ठीक है और अगर आप नोट नहीं कर रहे हैं तो आप रिवाइज नहीं कर पाएंगे ये सब चीज जितना मैं लिखता हूं सब आपकी भी कॉपी पे लिखा हुआ होना चाहिए ठीक है क्लियर है ये सबको आइए फिर से बात करते हैं राज सर अब आर्किटेक्ट नहीं है सीए है अब सीए गया राज सर। ठीक है और हम हैं कहां के वाराणसी के हैं रजिस्टर्ड हैं क्या हाँ रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी हैं रजिस्टर्ड का मतलब रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी ठीक है जो क्लाइंट है मेरा वो दिल्ली का है ठीक है और हम इसको ऑडिट की सर्विस दे रहे हैं इसका ऑडिट कर रहे हैं ठीक है हम इसको ऑडिट की सर्विस दे रहे हैं क्लाइंट दिल्ली का है और ये भी रजिस्टर्ड है ठीक है इसके लिए इस ऑडिट को करने के लिए हम दिल्ली गए भाई जाना जाना ही पड़ेगा ठीक है और वहां स्टे किए इन अ होटल स्टे इन अ होटल ठीक है अब ध्यान से समझिएगा इस सिचुएशन इसमें क्या क्या हो रहा है हम इसको ऑडिट सर्विस दे रहे हैं हम इसको ऑडिट सर्विस दे रहे हैं क्लाइंट को और ये होटल हमको दे रहा है कौन सी सर्विस होटल सर्विस दे रहा है दे रहा है कि नहीं देखिए ध्यान दीजिएगा एक सर्विस हम ले रहे हैं एक सर्विस दे रहे हैं दिल्ली जाके दिल्ली जाके होटल की सर्विस हम ले रहे हैं और अपने क्लाइंट को ऑडिट की सर्विस दे रहे हैं क्या इतनी बात समझ में आ रही है सबको आ रही है ना अब ऑडिट सर्विस के रिस्पेक्ट में आप मुझे बताइए लोकेशन ऑफ सप्लायर क्या है ऑडिट सर्विस के केस में लोकेशन ऑफ सप्लायर और प्लेस ऑफ सप्लाई दोनों आप बताएंगे ऑडिट सर्विस के लिए ऑडिट सर्विस के लिए बेटा लोकेशन ऑफ सप्लायर वाराणसी प्लेस ऑफ सप्लाई बोलो अगर क्लाइंट रजिस्टर्ड है ठीक है ऑडिट वाला तो अलग से कहीं पढ़े नहीं है अभी तक हम लोग हम रुक तो सेक्शन सबसेक्शन टू लगाएंगे सबसेक्शन टू के हिसाब से सामने वाला अगर रजिस्टर्ड है रेसिपेंट तो उसकी जो लोकेशन है यानी दिल्ली लोकेशन ऑफ सप्लाई और प्लेस ऑफ सप्लाई अगर अलग अलग स्टेट में होता है क्या लगता है बिल पे आईजीएसटी आईजीएसटी लगेगा बिल पे ठीक है अब आइए बात करते हैं ये क्या करेगा होटल सर्विस के केस में लोकेशन ऑफ सप्लायर क्या है लोकेशन ये है सप्लायर दिल्ली वाला लोकेशन ऑफ सप्लायर क्या है दिल्ली अब ये सर्विस किसको दे रहा है कि जो रजिस्टर्ड एड्रेस है रेसिपेंट का क्यों क्योंकि यहां पे सबसेक्शन थ्री लगेगा इमुएबल प्रॉपर्टी की सर्विस दे रहा है तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगी जहां पे प्रॉपर्टी सिचुएटेड है यानी दिल्ली ओ प्रॉपर्टी के केस में प्लेस ऑफ सप्लाई भी दिल्ली हो जाएगा लोकेशन ऑफ सप्लाई सप्लायर कहां का है भाई होटल वाला कहां का है दिल्ली का जो उसका रजिस्टर्ड एड्रेस है अब ठीक है तो दिल्ली और प्लेस ऑफ सप्लाई भी दिल्ली हो गई यानी ये अपनी बिल पे क्या लगाएगा ये अपनी बिल पे लगाएगा सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी ठीक है सीजीएसटी लगाएगा और एसजीएसटी लगाएगा अच्छा अगर यहां पे अगर यहां पे बहुत ध्यान से समझिएगा अब मैं थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स बात कर रहा हूं ठीक है थोड़ी कॉम्प्लेक्स बात कर रहा हूं आगे बढ़ा रहा हूं एक स्टेप आपको प्लेस ऑफ सप्लाई तक ही पढ़ना था मेरा काम यहां पर ओवर हो गया है लेकिन मैं आपको स्मार्ट बनाए बिना नहीं छोड़ सकता अब थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स बात कर रहा हूं इस बात को बहुत ध्यान से समझिए अगर इस वाली बिल में आईजीएसटी लगा होता हो ये होटल वाला अगर आईजीएसटी लगा के हमें दे दिया होता ठीक है यानी अगर मान लीजिए ये सबसेक्शन थ्री से गवर्न नहीं होता सबसेक्शन टू से गवर्न होता ये वाला केस कौन सा नीचे वाला केस ये वाला होटल वाला केस भी अगर सबसेक्शन टू से गवर्न होता तो इस पर लगा होता आईजीएसटी ठीक है आईजीएसटी लगता तो आईजीएसटी की मुझे क्रेडिट मिल गई होती क्या इस सीजीएसटी ए जीएसटी की क्रेडिट मिल जाएगी सीजीएसटी या जीएसटी की भी क्रेडिट मिलती है लेकिन इसकी नहीं मिल पाएगी आप पूछोगे क्यों इसकी क्यों नहीं मिल पाएगी आइए समझाता हूं क्यों क्योंकि मैं ठहरा यूपी का मैं कहां, कहां हूं? जल्दी बोलो बच्चों मैं कहां, कहां हूं? मैं हूं यूपी का ठीक है और ये जो सी एजीएसटी है ये दिल्ली वाले बंदे ने लगाया है तो दिल्ली में जो सी जी एस लगा है वो कौन सा है जब दिल्ली वाला बंदा सी जी एस टी एस जी लगाया तो वो लगाया सी जी एस टी प्लस दिल्ली जीएसटी लगाया है ये बात समझते हो कि नहीं हम लोग बोलते ना एस जीएसटी है जो यूपी में एस लगता है वो यूपी जीएसटी होता है जो दिल्ली वाला एसजीएसटी लगाता है वो दिल्ली जीएसटी होता है यानी होटल वाले ने बिल पे लगाया सी जी और दिल्ली जीएसटी ठीक है और मैं ठहरा यूपी का ठीक है मैं पता हूं आईटीसी किसकी ले सकता हूं मैं आईटीसी ले सकता हूं आईजीएसटी की मैं सीजीएसटी की ले सकता हूं और मैं एसजीएसटी की ले सकता हूं लेकिन एसजीएसटी का मतलब हमेशा यूपीजीएसटी होना चाहिए मैं यूपी में हूं मैं यूपी जीएसटी की क्रेडिट ले सकता हूं इतनी बात समझ में आ रही है आईटीसी का मतलब होता है परचेज पे जो टैक्सेस पे किए हो वो आपको घटाने को मिलेगा आउटपुट के से ठीक है तो मुझे कौन से टैक्सेस की क्रेडिट मिलती है या जितना मैं परचेस पे टैक्स देता हूं सब मिलती है आईजीएसटी मिलती है सीजीएसटी मिलती है एसजीएसटी मिलती है लेकिन एसजीएसटी कौन सी मिलती है अगर मैं यूपी वाला हूं तो मुझे यूपी जीएसटी की क्रेडिट मिलती है ठीक है इतनी बात यानी ये वाला दिल्ली जीएसटी है वो एसजीएसटी अपने बिल पे लगाएगा ना तो इसकी मुझे क्रेडिट नहीं मिल पाएगी इसकी मुझे क्रेडिट नहीं मिलेगी अंडरस्टूड और अब दूसरी बात ध्यान से सुनिए अगर एक पार्टिकुलर इन्वाइस की आपको एसजीएसटी की क्रेडिट नहीं मिलेगी तो सीजीएसटी भी नहीं मिलेगी ये बात भी याद रहेगी अपने दिमाग में बैठा लो अगर एक पर्टिकुलर बिल का एसजीएसटी की क्रेडिट नहीं मिली तो सीजीएसटी भी नहीं मिलेगी मिलेगी तो सारी मिलेगी यानी ना तो इस सीजीएसटी की मिलेगी ना एसजीएसटी की क्रेडिट मिल पाएगी हमको क्योंकि हम वाराणसी के थे आई बात समझ में अब ध्यान से समझिए क्या ऐसा भी हो सकता है कि मैं सी ए वाराणसी का हूं हाँ रजिस्टर्ड हूं। हाँ, मैंने होटल सर्विस ली ठीक है कहां का होटल है होटल भी वाराणसी का ही है ठीक है इसने मुझे होटल सर्विस दी प्लेस ऑफ सप्लायर लोकेशन ऑफ सप्लायर क्या है लोकेशन ऑफ सप्लायर वाराणसी है सप्लायर कौन है यहाँ पे ये है सप्लायर ध्यान दीजिएगा और ये है रेसिपेंट हम तो रेसिपिएंट हैं ऑफिस के काम से कुछ लिए हैं होटल ठीक है पर्सनल यूज के लिए नहीं लिए हैं लोकेशन ऑफ सप्लायर क्या है वाराणसी प्लेस ऑफ सप्लाई क्या है प्लेस ऑफ सप्लाई इमोल प्रॉपर्टी के, के केस में प्रॉपर्टी जहाँ पे सिचुएटेड है होटल कहाँ का है बनारस का है प्लेस ऑफ सप्लाई भी वाराणसी है ध्यान दीजिएगा हम हाँ वाराणसी की इसलिए प्लेस ऑफ सप्लाई वाराणसी नहीं हुई इस वाराणसी की वजह से प्लेस ऑफ सप्लाई वाराणसी हुई है होटल की वजह से अब वो बिल पे क्या लगाएगा होटल वाला बिल पे लगाएगा सीजीएसटी और एस ये एस का मतलब क्या है ये यूपी जी है क्या मुझे इसकी क्रेडिट मिल जाएगी हाँ मैं भी वाराणसी का हूं यूपी का हूं मतलब ये ये भी यूपी ये भी यूपी क्रेडिट मिल जाएगी ये यूपी जीएसटी था ना हाँ मुझे क्रेडिट मिल जाएगी आईटीसी अवेलेबल ओम माय गॉड यानी सर ऐसा नहीं बोल सकते कि होटल वालों की आईटीसी नहीं मिलती मिलती है अगर सेम शहर का होटल होगा जहाँ पे हम रजिस्टर्ड है वहीं का अगर होटल भी होगा उसी स्टेट का तो मुझे क्रेडिट मिल जाएगी नहीं तो नहीं मिलेगी अब जैसे मान लीजिए अगर मैं दिल्ली जाता हूँ कंसल्टेंसी के लिए ठीक है तो मैं कोशिश करूँगा कि मैं नोएडा में स्टे कर लूँ नोएडा के होटल में पता है क्यों क्योंकि अगर मैं दिल्ली के होटल में जाऊँगा तो वो मुझे सी जी एस टी रजिस्ट्री लगाएगा जिसकी क्रेडिट मुझे नहीं मिलेगी अगर मैं नोएडा के होटल में जाऊंग रहूंगा तो मुझे सी जी एस टी एस जीएसटी की क्रेडिट मिल जाएगी क्योंकि मैं वाराणसी का हूं यूपी और नोएडा भी यूपी में आता है और नोएडा और दिल्ली में ज्यादा जगह दूरी है नहीं तो हम लोकल ट्रे ट्रेवल कर लेंगे और होटल के बिल का जीएसटी की क्रेडिट ले लेंगे ठीक है आइए आगे देखिए प्रोवाइडेड दैट इज द लोकेशन ऑफ द इम्य प्रॉपर्टी बोट ऑफ वेसल इज लोकेट और इंटेंडेड टू भी लोकेटेड आउटसाइड इंडिया द प्लेस ऑफ सप्लाई शैल बी द लोकेशन ऑफ रेसिपियंट देखिए मैं आपको एक सिंपल सी बात बताता हूँ ये इम्पोर्ट ऑफ सर्विस की बात कर दिया ठीक है ये इम्पोर्ट ऑफ सर्विस की बात कर रहा है अगर इंडिया के बाहर का इमुएल प्रॉपर्टी है तो लोकेशन ऑफ रेसिपियंट ई प्लेस ऑफ सप्लाई होता है ठीक है और रिवर्स चार्ज के तहत जीएसटी देना होता है यानी हम कोई इसे इंपोर्ट ऑफ सर्विस कहते हैं अगर हम किसी विदेशी से सर्विस लेंगे तो ये इंपोर्ट और सर्विस कहलाएगा और इस पर हमें आई जी पे करना होता है तो इस पर हम ना बार बार फोकस नहीं करेंगे ये बहुत सिंपल सा टास्क है और ये कंप्लीट हो गया इतने में ही जब भी मैं विदेश से सर्विस लूंगा तो वो इंपोर्ट ऑफ सर्विस है गोली मारो क्या लोकेशन ऑफ सप्लाई प्रेस ऑफ सप्लाई कुछ मत समझो जरूरत ही नहीं है इतना माथा पच्ची करने की इंपोर्ट का केस बहुत सिंपल है अगर मैंने विदेश से सर्विस ली तो वो इंपोर्ट ऑफ सर्विस है और रिवर्स चार्ज के तहत रेसिपेंट मुझे ही जीएसटी पे करना है ऑब्वियसली आप भी समझ लो ना मोदी जी कहां लेने जाएंगे उस विदेशी से जीएसटी तो कह रहे हैं कि तुम इंडिया के हो तुम दो रिवर्स चार्ज में टैक्स आ रही बात समझ में है। फिर देखिए वेद इमोल प्रॉपर्टी ऑफ बोट ऑफ वेसल इज लोकेटेड इन मोर देन वन स्टेट और यूनियन टेरिटरी द सप्लाई ऑफ सर्विस एल बी ट्रीटेड एज मेड इन ईच ऑफ द रिस्पेक्टिव स्टेट और यूनियन टेरिटरी इन प्रपोर्ट टू द वैल्यू फॉर सर्विसेज सेपरेटली कलेक्टेड और इन टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एग्रीमेंट इंटर इन टू इन दिस रिगार्ड और इन द एबसेंस ऑफ सच कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट ऑन सच अ बेसिस एज मे बी प्रसक्राइब छोड़िए इतना अंग्रेजी आइए बात समझते हैं हिंदी में मैंने ओबेरॉय होटल बुक कराया ठीक है दिल्ली और मुंबई के लिए ठीक है तीन दिन दिल्ली में स्टे करेंगे थ्री डेज और दो दिन मुंबई में हम स्टे करेंगे ठीक है मैंने ऑनलाइन बुकिंग करा दी इसकी ठीक है एक साथ कितने में, में मेरा बुक हो गया मेरा बुक हो गया दो लाख प्लस जीएसटी में ठीक है ये पाँच दिन का होटल मैंने ऑनलाइन ओबेरा होटल की वेबसाइट पे जाके बुकिंग करा दी है अब ये ओबेरॉय होटल वाला ये जो बिलिंग करेगा उस पर जीएसटी कौन सा लगाएगा बात यही आ रही है कि ये जीएसटी पे बिलिंग कौन सी करेगा ठीक है तो तीन दिन के लिए प्लेस ऑफ सप्लाई अब ये क्या किया जाएगा इस दो लाख रुपया को इंटू थ्री बाई फाइव कर दिया जाएगा और प्लेस ऑफ सप्लाई इसके लिए हो जाएगा दिल्ली दिल्ली प्लेस ऑफ सप्लाई का ये वैल्यू ऑफ सर्विस है और प्लेस ऑफ सप्लाई मुंबई हो जाएगा क्योंकि जहां पे प्रॉपर्टी लोकेटेड है अगर प्रॉपर्टी दिल्ली में लोकेटेड है तो दिल्ली प्लेस ऑफ सप्लाई है और मुंबई अग में लोकेटेड है तो मुंबई प्लेस ऑफ सप्लाई है हम एक साथ अगर होटल का बिल भी भर देंगे ना जैसे मान लो एक होटल है जो दिल्ली में भी है मुंबई में भी है क्लियर सी बात कि अगर मैंने इकट्ठा पैसा दे दिया तो ऐसा नहीं है कि होटल एक सिंगल इन्वाइसिंग करेगा होटल दो इन्वाइसिंग करेगा हमको दिल्ली वाले होटल का अलग बिल बनाएगा मुंबई वाले होटल का अलग बिल बनाएगा क्योंकि दिल्ली वाले होटल के लिए प्लेस ऑफ सप्लाई दिल्ली कहलाएगी और मुंबई वाले होटल के लिए प्लेस ऑफ सप्लाई मुंबई कहलाएगी मैं रेसिपेंट का कहां कहां हूं इस बात से फर्क नहीं पड़ता प्रॉपर्टी के केस में समझ में आ रही है बात इसलिए वो सिंगल बिल नहीं बना पाएगा वो दो बिल बनाएगा ठीक है तो अब ये ओबेरॉय होटल तो दिल्ली से भी सप्लाई कर रहा है मुंबई से भी सप्लाई कर रहा है ये बताइए रजिस्ट्रेशन कितनी जगह लिया होगा ऑब्वियसली आपने पढ़ा हुआ है जीएसटी में कि जितनी जगह से आप सर्विस की सप्लाई करते हो उतनी जगह रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है हर स्टेट में रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा इसको ठीक है तो दिल्ली वाला रजिस्ट्रेशन होगा उसका और प्रॉपर्टी भी दिल्ली की तो लोकेशन ऑफ सप्लाई और पेस ऑफ सप्लाई दोनों दिल्ली तो दिल्ली वाला जब बिल बनाएगा तो उस उसपे लगाएगा सी जी एस टी प्लस दिल्ली जीएसटी ठीक है और मुंबई की जब बिलिंग बनाएगा तो उस उसपे लगाएगा सी जी एस टी प्लस महाराष्ट्र जीएसटी समझ में आ रहा है ना सबको आइए आगे देखते हैं तो एक हो गया इमोल प्रॉपर्टी के रिस्पेक्ट में अब नेक्स्ट देखिए द प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ रेस्टोरेंट एंड कैटरिंग सर्विसेस रेस्टोरेंट एंड कैटरिंग सर्विसेज के केस में भी जहां का रेसिपेंट है वही प्लेस ऑफ सप्लाई है अगर हम खाना खाने जाते हैं तो रेस्टोरेंट जहां का वही प्लेस ऑफ सप्लाई है ठीक है पर्सनल ग्रूमिंग पर्सनल ग्रूमिंग का मतलब क्या होता है सैलून जा रहे हो आप बाल कटवानी ठीक है दाढ़ी बनवाने अपनी फेशियल कराने वॉटवर ठीक है तो पर्सनल ग्रूमिंग से रिलेटेड सर्विस ले रहे हो तो जहाँ का सैलून है वही प्लेस ऑफ सप्लाई है जैसे हम मुंबई चले गए बाल कटवाने के लिए हमने उसको बताया कि हम वाराणसी से आ रहे हैं ठीक है हम रजिस्टर्ड हैं जीएसटी में तो क्या वो प्लेस ऑफ सप्लाई वाराणसी मान लेगा क्या नहीं सैलून जहाँ का है वही प्लेस ऑफ सप्लाई है सैलून मुंबई का है प्लेस ऑफ सप्लाई मुंबई है ठीक है फिटनेस सेंटर फिटनेस सेंटर का मतलब हो गया जिम वगैरह ठीक है ब्यूटी ट्रीटमेंट करा रहे हैं आप ठीक है हेल्थ सर्विसेज आप ले रहे हैं हेल्थ सर्विसेज क्या होती है ये भी फिटनेस सेंटर जैसा ही हुआ जनरली हेल्थ सर्विसेज सर्विस कहते हैं जो लोग इस तरीके के देखिए जिम इस तरीके के क्लेम नहीं करता 21 दिन में पांच किलो वजन घटाएं ऐसा करता है नहीं हेल्थ सर्विसेज वाले इस तरीके से प्रमोट करते हैं मतलब दे कंबाइन इट विथ हेल्थ राइट एंड जैसे कि ये आपको रिजल्ट मिलेगा इन योर हेल्थ अंडरस्टूड तो इस तरीके मतलब एक ही चीज हो गई ये सब ब्यूटी ट्रीटमेंट इज अगेन ग्रूमिंग सर्विसेज ठीक है इंक्लूडिंग कॉस्मेटिक एंड प्लास्टिक सर्जरी कॉस्मेटिक सर्जरी करा रहे हैं प्लास्टिक सर्जरी करा रहे हैं अंतर समझते हैं कॉस्मेटिक सर्जरी और प्लास्टिक सर्जरी में दोनों ही ऐसी सर्जरी है जिससे आप सुंदर हो जाएंगे लेकिन कॉस्मेटिक सर्जरी वो सर्जरी है जिससे एक सुंदर व्यक्ति और सुंदर हो जाएगा ठीक है मतलब हम खूबसूरत तो हैं हम चाहते हैं मेरी खूबसूरती और निखर जाए तो हम कॉस्मेटिक सर्जरी कराएंगे ठीक है वॉट इज प्लास्टिक सर्जरी कोई एबनॉर्मेलिटी हो गई बॉडी में ठीक है हम जल गए कहीं से कट गया कहीं से बॉडी पार्ट और हम वो सही करा रहे हैं दैट इज कॉल्ड प्लास्टिक सर्जरी मतलब कोई खराबी हुई उसको सही कराने के लिए अगर हम ब्यूटिफिकेशन के लिए काम करा रहे हैं देन इट इज प्लास्टिक सर्जरी बट हम पहले से ही सुंदर हैं ठीक है हम चाहते हैं थोड़े और सुंदर हो जाए मेरी नाक थोड़ी और स्ट्रेट हो जाए राइट वॉट तो ये कहलाएगा कॉस्मेटिक सर्जरी ये सब भी ये जितनी भी सर्विसेज का भी हमने नाम लिया जिम की सर्विस सैलून की सर्विस आ, प्लास्टिक सर्जरी कॉस्मेटिक सर्जरी आ, ये सब इन सब के रिस्पेक्ट में जहां पे ये सर्विस ली जा रही है मतलब जहां पे ये सर्विस दी जा रही है वही प्लेस ऑफ सप्लाई है क्लियर अच्छा आपको मालूम है कि नहीं डॉक्टर्स की किसी भी सर्विस पे जीएसटी नहीं है बस यही प्लास्टिक और कॉस्मेटिक सर्जरी पे है जैसे डॉक्टर आपका ऑपरेशन करेगा ठीक है किसी बीमारी का इलाज करेगा तो जीएसटी नहीं लगता डॉक्टर की इस वाले इलाज पे कॉस्मेटिक और प्लास्टिक सर्जरी पे जीएसटी क्योंकि ये बेसिकली इलाज नहीं मानती सरकार कहती है यह कोई इलाज थोड़ी ना है अब राज अग्रवाल अपनी नाक को और चौकीला बना रहे हैं ये अब ये कौन सा इलाज हुआ ठीक है ये तो ब्यूटी ट्रीटमेंट हो गया ना सैलून जैसा काम हो गया हो गया कि नहीं भले डॉक्टर कर रहा है लेकिन ये तो सैलून सर्विस है एक तरीके की तो इस पर जीएसटी लगता है सेल बी द लोकेशन वे सर्विस एक्चुअली परफॉर्म्ड आगे देखिए द प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस इन रिलेशन टू ट्रेनिंग और परफॉर्मेंस अप्रेजल आइए मेरी सर्विस की बात हो रही है अगर ट्रेनिंग वगैरह की सर्विस दी जा रही है तो क्या होगा अगर एक रजिस्टर्ड बंदे को हम सर्विस दे रहे हैं तो लोकेशन ऑफ सच पर्सन ध्यान से सुनिएगा रजिस्टर्ड बंदे को हम कैसे सर्विस दे सकते हैं मेरा वाराणसी में सेंटर है ठीक है मैं आइए लिख लिख के बोलते नहीं तो आप कन्फ्यूज हो जाएंगे मेरा जो ट्रेनिंग सेंटर है वो कहाँ पे है वाराणसी यूपी ठीक है रजिस्टर्ड है रिलायंस कंपनी जो कि मुंबई में लोकेटेड है यानी महाराष्ट्र ये भी रजिस्टर्ड है ठीक है इसने अपने 20 इंप्लॉइज को ट्रेनिंग के लिए मेरे पास भेजा 20 इंप्लॉयज यहां से मेरे पास आते हैं ट्रेनिंग के लिए ठीक है अब बोल रहा है कि प्लेस ऑफ सप्लाई और सर्विस कहां है मैं सर्विस किसको दे रहा हूं रिलायंस कंपनी को बिलिंग कौन करवाएगा 20 इंप्लॉयज रिलायंस कंपनी भेजा है कौन पेमेंट करेगा रिलायंस कंपनी पेमेंट करेगी अपने इंप्लॉय को भेजिए के लिए हमारे पास ठीक है तो कम पेमेंट कौन करेगा रिलायंस कंपनी रेसिपेंट ऑफ सर्विस कौन है रिलायंस आपने पढ़ा हुआ है ये बात अब आज बोल नहीं सकते हो सर अच्छा क्यों रिलायंस हो गई वो बीस इंप्लॉय क्यों नहीं हुए क्योंकि तुम पढ़े हुए हो जो पैसा देता है ना वो रेसिपेंट ऑफ सर्विस होता है सर्विस लेने वाला वो है जो पैसा दे रहा है पैसा कौन दे रहा है रिलायंस कंपनी वो है रेसिपेंट ठीक है हम इन्वॉइस किसको करेंगे रिलायंस कंपनी को करेंगे जल्दी बताइए प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा यहाँ पे इस केस में रजिस्टर्ड बंदा है ठीक है चलिए पढ़िए ये क्या लिखा हुआ है अगर एक रजिस्टर्ड बंदा है तो उसकी जगह ट्रेनिंग की सर्विस एक रजिस्टर्ड बंदा लेता है तो जो रजिस्टर्ड बंदे की लोकेशन है ठीक है यानी प्लेस ऑफ सप्लाई हो जाएगा यहाँ पे मुंबई ठीक है हम सर्विस दे आ रहे हैं सब वाराणसी आए हैं मेरे ट्रेनिंग सेंटर में ट्रेनिंग के लिए लेकिन वो नहीं कहलाएगा प्लेस ऑफ सप्लाई कहलाएगा मुंबई फिर अ पर्सन अदर देन रजिस्टर्ड पर्सन सेल बी द लोकेशन वेयर सर्विस आर नॉर्मली परफॉर्म अच्छा अब अनरजिस्टर्ड बंदा आया है मेरे यहाँ ट्रेनिंग लेने जैसे स्टूडेंट्स आते हैं मेरे पास अब वो पूरे हिंदुस्तान के किसी भी कोने से आएंगे प्लेस ऑफ सप्लाई क्या कहलाएगा बात समझ में द प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस प्रोवाइडेड बाई वे ऑफ एडमिशन टू कल्चरल आर्टिस्टिक स्पोर्टिंग साइंटिफिक एजुकेशनल एंटरटेनमेंट इवेंट और एम्यूजमेंट पार्क और एनी अदर प्लेस एंड सर्विस एंड सिलरी टू बी द प्लेस वेयर द इवेंट इज एक्चुअली हेल्ड और वेद द पार्क और सच अदर प्लेस इज लोकेटेड बहुत सिंपल तरीके से बोले जहाँ पे भी टिकट कटा के अंदर घुसते हो किसी भी चीज़ में टिकट कटा के तुम आ, कहीं भी घुस जाओ जहाँ मर्जी घुस जाओ जू में घुस जाओ कोई कल्चरल प्रोग्राम हो रहा है वहाँ घुस जाओ कोई म्यूजिक से हो रहा है कोई सेमिनार हो रहा है कॉन्फ्रेंस हो रहा है बस एक लाइन में बोलेंगे टिकट कटा के अगर कहीं भी अंदर घुसते हो तुम तो जहाँ घुसे हो ना वही प्लेस ऑफ सप्लाई है अगली बात समझ में किसी पार्क में घुस रहे हो टिकट कटा के तो सर प्लेस ऑफ सप्लाई क्या है जहाँ घुसे हो तुम ठीक है द प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस प्रोवाइडेड बाई वे ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अ कल्चरल आर्टिस्टिक स्पोर्टिक साइंटिफिक एजुकेशन इंटरटेनमेंट इवेंट इंक्लूडिंग सप्लाई सर्विस इन रिलेशन टू कॉन्फ्रेंस दिस 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 होगी सर यहाँ भी तो वही बात लिखा था यहाँ फिर वही बात लिख रहा है कह कि अरे कल्चरल आर्टिस्टिक स्पोर्टिंग ये क्या है फिर और बेटा फिर से समझाते हैं छठवां वाला क्या था यह था एंट्री टिकट फॉर जनरल पब्लिक मतलब कोई भी उसमें घुस सकता था एक प्रोग्राम हो रहा है टिकट कटाइए घुस जाइए ठीक है यह क्या है मैं प्रोग्राम करा रहा अब अब ऐसे समझिए मैं ना एक सेमिनार यहाँ पे था ये ये ऊपर वाले में पॉइंट नंबर सिक्स वाले में मतलब ये सब सेक्शन सिक्स में यहाँ पे जब मैं सेमिनार कर रहा था ना तो जो पाँच का टिकट कटा के बैठ सकता था वहां पे आके ये वो था अब ये वाला सातवा वाला क्या है तो वहाँ पे प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगी कोई भी अगर टिकट कटा के घुस के बैठ के देख सकता है प्रोग्राम तो जहां पे वो प्रोग्राम दिया जा रहा है ठीक है वही प्लेस ऑफ सप्लाई है अब ये सातवा वाले सब सेक्शन में क्या है मैं सेमिनार करा रहा हूँ रिलायंस कंपनी के तो क्या कोई भी आके बैठ जाएगा क्या नहीं अब रिलायंस कंपनी डिसाइड करेगी कौन बैठेगा उसमें उसके लिए करा रहा हूं ये है अभी ये ये प्लेस सप्लाई और सर्विस है प्रोवाइडेड बाय वे ऑफ मैं सर्विस दे रहा हूं कल्चरल या मैं गाना गा रहा हूं ठीक है रिलायंस कंपनी के लिए लेकिन कोई शो कर रहा हूं ठीक है तो कौन बैठेगा उनकी इंप्लॉइज बैठेंगे वो डिसाइड करेंगे भाई कौन बैठेगा ठीक है सर्विस एंसिलरी टू ऑर्गेनाइजेशन अच्छा अब उन्होंने कहा कि राज अग्रवाल जी आप सेमिनार कराइए और उसमें क्या कीजिएगा पानी वानी का भी जुगाड़ रखिएगा ठीक है हो सकता है कि नहीं ऐसा हो सकता है तो अब इसमें क्या कर रहा है अगर मैं एक ये ऐसी सर्विस रजिस्टर्ड पर्सन को दे रहा हूं तो जो उसकी लोकेशन है अब आप सुनिए इस बात को समझिएगा क्या है हुआ है मैं वाराणसी का मैं एक सिंगर मान लेंगी एक बार के लिए बहुत अच्छा गाना गाता हूं कुछ बिगड़ता नहीं ना है आपका मान लो मैं वाराणसी का हूं और एक सिंगर हूं रजिस्टर्ड सिंगर हूं अच्छे पैसे लेता हूं एक गाना गाने का ठीक है रिलायंस कंपनी मुंबई की है उसने कहा राज अग्रवाल जी आपको गोवा गोवा में गाना गाना है एक करना है 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 एक स्टेज स्टेज शो शो करना करना ठीक आएंगे घूमने वहीं पे आपको बताइए ऐसा हो सकता है हाँ ध्यान से सुनिएगा मैं वाराणसी का गाना गाने वाला मुंबई वाली कंपनी है रिलायंस कंपनी जो मुझसे गाना गवा रही है ठीक है गाना कहां पर ना तो बनारस में ना तो मुंबई में हमें गाना गाना है गोवा में ठीक है अब जल्दी से बताइए प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगी कहां पे ये सर्विस दी जा रही है प्लेस ऑफ सप्लाई क्या है गोवा नहीं ये मैंने सर्विस किसको दी है रिलायंस कंपनी को तो रिलायंस कंपनी कहां पे रजिस्टर्ड है मुंबई में तो मुंबई इज द प्लेस ऑफ सप्लाई आई बात समझ में मुंबई देखिए लोकेशन ऑफ सच पर्सन टू रजिस्टर्ड पर्सन अगर है तो अच्छा अब फिर से सुनो इसी बात को बदल देते हैं हम गोवा गए अपना स्टेज शो कर रहे हैं और टिकट कटा के कोई भी घुस सकता है किसी कंपनी में किसी कोई मतलब नहीं हम गोवा गए वहां गाना गा रहे हैं ठीक है और कोई भी टिकट कटा के घुस सकता है जल्दी बताइए प्लेस ऑफ सप्लाई क्या है गोवा ठीक है अब यहां पे कोई भी घुस सकता है तो जहां पर सर्विस दी जा रही है ठीक है मतलब जहां वो लोग घुस रहे हैं ना वही प्लेस ऑफ सप्लाई है टू अ पर्सन अदर देन रजिस्टर्ड पर्सन साल बी द प्लेस वेयर द इवेंट इज एक्चुअली हेल्ड और अगर अनरजिस्टर्ड बंदा हमसे सर्विस ले रहा है एक मुंबई की कंपनी थी अनरजिस्टर्ड कंपनी है ठीक है जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है उसने कहा था मुंबई में गाना गाने के लिए तो प्लेस ऑफ सप्लाई मुंबई हो जाएगा आ, प्लेस ऑफ सप्लाई गोवा हो जाएगा फिर गोवा में गाना गाने को बोला था एक मुंबई की कंपनी थी अनरजिस्टर्ड कंपनी थी तो गोवा विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई जहाँ पर मैंने परफॉर्मेंस की है अच्छा इवेंट अगर आउटसाइड इंडिया है तो अगर इंडिया के बाहर गाना गा के चले आए तो, तो प्लेस ऑफ सप्लाई शैल बी द लोकेशन ऑफ द रेसिपियन ठीक है तो जो मान लो हम दुबई गए गाना गाने के लिए तो दुबई विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई ठीक है तो यानी ये एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस हो गया ठीक है आपको इतना ध्यान नहीं देना एक्सपोर्ट इम्पोर्ट पर इवेंट इज हेल्ड इन मोर देन वन स्टेट और यूनियन टेरिटरी ऑन अ अमाउंट इज चार्ज फॉर सप्लाई ऑफ सर्विस कौन इतना पढ़ेगा बताते हैं रिलायंस कंपनी ने बोला रिलायंस जब भी हम बोले तो समझ जाना रजिस्टर्ड है अभी इसमें जी एस टी में रजिस्ट्रेशन लिए हैं कि नहीं सब बहुत बड़ी कंपनी है ठीक है रजिस्टर्ड कंपनी है इसने बोला राज अग्रवाल जी आपको गोवा में गाना गाना है ठीक है और आपको और कहाँ गाना है और आपको देहरादून में गाना गाना है ठीक है उन्होंने बोला पंद्रह अक्टूबर को यहाँ गाना है और अट्ठारह अक्टूबर को यहाँ गाना गाना है मतलब ये रिलायंस कंपनी अपनी एम्प्लॉई को दो जगह घूमने भेजी हुई है गोवा भी भेजी हुई है कुछ लोगों को कुछ लोगों को देहरादून भेजी हुई है और हमसे कह रही है राज अग्रवाल जी जाओ तो एक दिन गोवा में गाना गा के आओ और फिर देहरादून जाना गाना गाने ठीक है राज अग्रवाल कहाँ के हैं ये वाराणसी के हैं रजिस्टर्ड है वाराणसी में रिलायंस कंपनी भी रजिस्टर्ड है चाहे हम गोवा में गाना गाएंगे का चाहे देहरादून में गाना गाएंगे प्लेस और सप्लाई क्या होगा इस केस में दोनों ही केस में प्लेस और सप्लाई होगा रिलायंस कंपनी कहाँ की है मुंबई तो मुंबई होगा कोई दिक्कत किसी को नहीं अब समझ लो एक दूसरी कंपनी की बात करते हैं वो जो कंपनी है वो मुंबई की है लेकिन अनरजिस्टर्ड है अनरजिस्टर्ड है ठीक है ए बी सी कंपनी नाम इसका और मैंने फिर गोवा में गाना गाया और फिर कहाँ गए थे देहरादून में ठीक है गोवा में इस गोवा में शो किए और फिर देहरादून में शो किए जो गोवा में किए तो इसका प्लेस ऑफ सप्लाई गोवा हो जाएगा और देहरादून में जो किए उसका प्लेस ऑफ सप्लाई देहरादून हो जाएगा ठीक है अब मान लीजिए मुझे पैसा मिला के बताया गया कि एक लाख रुपया मिलेगा तो तो अब एक एक दिन दोनों जगह गोवा गाना गाए हैं तो पचास पचास हज़ार रुपये की बिलिंग कर देंगे दोनों की अलग अलग आपको बात समझ में कि नहीं अच्छा आप कहोगे कि सर आपने यहाँ पे दो दिन मान लो गए यहाँ पे एक दिन गाए तो टू इज टू वन के रेशियो में डिवाइड कर देंगे कंसिडरेशन को यही बता रहा था यहाँ पे द प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस बाई वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स इंक्लूडिंग बाई मेल और कुरियर टू अ रजिस्टर्ड पर्सन एल बी दोकेशन ऑफ सच पर्सन पर्सन अदर देन एल बी दोकेशन एट विच सच गुड्स आर हैंडेड ओवर फॉर दियर ट्रांसपोर्टेशन आइए पहले तो ट्रांसपोर्टेशन का आपको बताएं सप्लायर ऑ गुड्स यहाँ पे आया सप्लायर ऑफ अरे रेसीपियट ऑफ गुड्स और ये रहा ट्रक वाला गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी ये एक सप्लायर है माल भेज रहा है किसको भेज रहा है रेसिपियंट को ये माल लेने वाला है कौन ये माल ले जा रहा है ये ट्रक वाला माल ले जा रहा है ठीक है तो ट्रक वाला एक सर्विस दे रहा है जिसका नाम है जी सर्विस इसका रेसिपियंट कौन है तुम समझ पाए हम क्या कह रहे हैं हम ट्रक वाले हैं ठीक है हम किसी का माल किसी के यहाँ पहुँचा रहे हैं इसका माल है इसके यहाँ पहुँचा रहे हैं तो मेरी सर्विस लेने वाला कौन है आप समझे कि नहीं हम भाड़े वाला जो काम कर रहे हैं वो किसके लिए कर रहे हैं जिसका माल ले जा रहे हैं या जिसके पास ले जा रहे हैं बताइए सब पढ़ा चुके हैं सब दिमाग ना खराब कीजिएगा मेरा जल्दी बताइए क्या बताया था आपको जो मुझे भाड़ा देगा वो मेरा रेसिपेंट ऑफ सर्विस है ठीक है ना तो ये है ना तो ये हमको मतलब इससे नहीं है किसका माल है किसको पहुंचा रहे हमको मतलब है भाड़ा हमको कौन देगा अगर ये भाड़ा पे करेगा वन हु फ्रेट इज द रेसिपियट ऑफ सर्विस लिख दें यहां पर वन हु पेज फ्रेट इज द रेसिपियंट रेसिपियंट ऑफ जीटीए सर्विस ठीक है अगर मान लो ये पे करेगा फ्रेट तो यह हो गया रेसिपियंट ऑफ जीटीए सर्विस यह हो गया और नहीं तो यह हो जाता रेसिपियंट ऑफ जीटीए सर्विस ठीक है ये है रेसिपियंट ऑफ जी टी ए सर्विस भी ठीक है अब क्या बोल रहा है सुनो कहता है अगर वो रजिस्टर्ड बंदा है तो उसका एड्रेस वो रजिस्टर्ड बंदा है अगर ये वाला बंदा रजिस्टर्ड है तो इसका एड्रेस जो है ठीक है हम मान लो कहाँ के थे हम वाराणसी के थे और ये कहाँ का था दिल्ली का था तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या है मेरे बच्चों इस केस में प्लेस ऑफ सप्लाई है दिल्ली अच्छा अब थोड़ा सा बदल दे क्वेश्चन मान लो ये सप्लायर जो है ये वाराणसी का है ये रजिस्टर्ड है यही हमको भाड़ा दिया था तब प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हो जाता वाराणसी ठीक है जो भाड़ा देगा वो रेसिडेंट ऑफ सर्विस है और अगर वो रजिस्टर्ड है तो जो उसकी प्लेस ऑफ सप्लाई है जो उसका लोकेशन है वही प्लेस ऑफ सप्लाई है ठीक अच्छा, सा है अच्छा अ पर्सन अदर देन रजिस्टर्ड पर्सन द लोकेशन वे सच गुड्स आर हैंडेड ओवर फॉर देयर ट्रांसपोर्टेशन मान लो ये अनरजिस्टर्ड होता ये कौन बंदा ये वाला अनरजिस्टर्ड होता तो कह रहा है हमको माल कहां पे मिला था मतलब मेरे ट्रक में माल कहां चढ़ाया गया था मेरे ट्रक में माल ये बनारस में चढ़ाया गया था वाराणसी में यहीं का गंदा सप्लाया था ट्रक में माल यहां चढ़ा था तो वाराणसी विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई फिर से बताएं देखो दो चीजें ध्यान दो सबसे पहले तो ये अपने दिमाग में बैठा लो कि जो भाड़ा देता है वो रेसीपेंट होता है जो भाड़ा देता है वो कौन होता है वो रेसिपेंट होता है ठीक है और अब आपको दो बातें देखनी है वो रेसिपिएंट जो भाड़ा देने वाला है वो रजिस्टर्ड है कि अनरजिस्टर्ड अगर वो रजिस्टर्ड है तो प्लेस ऑफ सप्लाई इज इक्वल टू लोकेशन ऑफ प्लेस ऑफ सप्लाई इज इक्वल टू लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट कोई दिक्कत ठीक है लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट ऑफ जीटीए सर्विस और अगर वो अनरजिस्टर्ड है तब अगर वो अनरजिस्टर्ड है तो प्लेस ऑफ सप्लाई हो जाएगा हम हिंदी में लिख दें तो आपको ज्यादा अच्छा लगेगा याद भी रहेगा जहां माल चढ़ा है ट्रक में तो कैसे भी आपको याद रहे मेरा तो ये ऑब्जेक्टिव है ना हिंदी लिखें, अंग्रेजी लिखें, ठीक है प्रोवाइडेड दैट transportation द ट्रांसपोर्टेशन the द प्लेस आउटसाइड इंडिया द प्लेस ऑफ सप्लाई सेल बी द डेस्टिनेशन ऑफ goods. अगर इंडिया के बाहर भेजा गया तो जहाँ माल भेजा गया जैसे दुबई माल भेज दिए हम ट्रक से तो दुबई इज द प्लेस ऑफ सप्लाई ठीक है चलिए मुझे लगता है कि आज की क्लास वैसे ही बहुत लंबी हो गई ठीक है लेकिन अभी ये इतना लंबा है कि ये खत्म नहीं हुआ ठीक है तो प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज इनफैक्ट लेंदी तो है ही तो आज की क्लास को हम लोग यहीं पे स्टॉप करेंगे अगली क्लास में आएंगे तो इसे कंटिन्यू करेंगे प्लेस और सप्लाई ऑफ सर्विसेज, ठीक है विल स्टॉप